तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने बता रहा। बचपन से जो हमने बुक पढ़ी थी हम है उसका फोटो, और ये है जयपुर। वेलकम इन जयपुर। फ्रेंड्स वेलकम अगेन इन माय दिस वीडियो जयपुर डे वन पार्ट टू। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं दे दूंगा उसको लिंक, आप देख सकते हैं। अल्बर्ट हॉल के बाद ये टाइम था एक नई मंजिल की तरफ जाने का, और ये टाइम था हवा महल एक्सप्लोर करने का। फ्रेंड्स तो हम लोग आ चुके हैं हवा महल के अंदर, और टिकट बहुत कॉस्टली है 50 रुपीज़, जो कि नॉर्मली इतना नहीं होना चाहिए फॉर इंडियन। और ये देख सकते हैं आप अंदर से कैसा व्यू है इसका। और यहाँ पे फाउंटेन एक चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ फाउंटेन। हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के बड़े पुत्र थे। और ये आप देखेंगे ऊपर से कितना अच्छा दिखता है, जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से ये सुंदर है। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको केतरी महल, जी हाँ केतरी महल से इंस्पायर होकर बनवाया। और विशेषकर ये जो हवा महल था ये रानियों के लिए था, जिससे वो पूरा शहर का व्यू ले पाएँ, सुंदरता देख पाएँ और हवा ले सकें, क्योंकि लेडीजों को ओपन स्पेस इस तरह की हवा बहुत अच्छी लगती है, तो उनके एंजॉय के लिए ही हवा महल का निर्माण विशेषकर कराया गया। हवा महल में 2 से 3 फ्लोर ऊपर है, तो अगर आप ऊपर से इसका ब्यूटी देखना चाहते हैं तो इस तरह से घुमावदार रास्ता है, आप यहां से होते हुए ऊपर जा सकते हैं। और डस्टबिन हर जगह, साफ सफाई हर जगह आपको मेंटेन मिलेगी, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और आप ये खिड़कियां देख पा रहे हैं छोटी सी प्यारी प्यारी, इनको भी देखिए, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, आप इनको देखते जाइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी विंडो, बेसिकली इनको झरोका बोला जाता है। और इसका बनाने का जो डिजाइनर थे वो थे लालचंद उस्ताद। हवा महल की ये 5 मंजिला जो इमारत है उसमें हर तरफ इस तरह के छोटे छोटे झरोके हैं, और टोटल मिला के 953 ये झरोके हैं।
तरह से पहले आपने उस झरोके में से पूरा हवा महल का इनसाइड व्यू देखा, यहाँ से आप इसका आउटसाइड व्यू देखेंगे जो रोड साइड व्यू है, और यहाँ से आपको पूरा रोड, बड़ी चौपड़ और सामने का पूरा वो ट्रैफिक पूरा दिखाई देगा। और बिल्डिंग में हमने कुछ और फ़ोटो शूट किए क्योंकि इतना अच्छा लोकेशन था और मज़ा आ रहा था, सर्दी का टाइम है, तो आप तरह इस तरह से मज़े उठाएं और वहाँ पर पूरा फ़ोटो सेशन करें। हवा महल इनसाइड से बहुत ब्यूटीफुल है, इसको ज़रूर देखें। फाइनली टॉप पे पहुँचने के बाद फिफ्थ फ्लोर पे आपको पूरा शहर का व्यू दिखाई देगा। यहाँ से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और ये बड़ी मीनार भी दिखाई देगी, और आपको फोर्ट भी यहाँ से दिखाई देगा। ये जो हवा महल है ये विशेषकर इसीलिए बनाया गया कि यहाँ की जो रानियाँ थी वो रोड पर जो फेस्टिवल हैं, सेलिब्रेशन है, उनको देख पाएँ विदाउट बीइंग सीन। इसका मतलब है पर्दा, तो ये एक पर्दा प्रथा थी जिससे वो सब चीज़ देख पाएँ बाहर जो हो रही हैं फेस्टिवल सेलिब्रेशन, बट उन रानियों को कोई ना देख पाए। इस तरह से ये हवा महल डिजाइन किया गया है। और इतना सब घूमने के बाद टाइम था पेट पूजा का, और पेट पूजा का सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है रामचंद कुल्फ़ी एंड जूस सेंटर। रामचंद कुल्फ़ी वाला एक ब्रांड है जयपुर में, इनके काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन बड़ी चौपड़ पे जो है वो ये वाला सबसे फेमस, सबसे पुराना है। और जब आप ज़रूर जाएं यहाँ पे फालूदा, यहाँ की रबड़ी, यहाँ का जूस, यहाँ के शेक ज़रूर ट्राई करें। इट इज़ ए मस्ट विजिटिंग प्लेस इन जयपुर। और आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर जाएंगे आपको हमेशा क्राउड दिखाई देगा लोगों का, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। और मेरे इंजीनियरिंग के दौरान मैंने यहाँ पर काफ़ी बार लस्सी पी थी, जो यहाँ की फेमस लस्सी थी, लेकिन रामचंद कुल्फ़ी वाला बिल्कुल हवा महल के पास है, यूँ कह सकते हैं रोड के दूसरी साइड है। और यहाँ पर आप साफ़ सफाई देखिए, इतना क्राउड होने के बाद भी यहाँ पर बहुत साफ सफाई रहता है। अगर आप किसी मल्टीप्लेक्स में या किसी शोरूम या कहीं इस तरह के कैफी डे में जाते हैं, नॉर्मली शेक का रेट आपको 400 से लेके 500 रुपये, कई कभी 1000 रुपये भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रेट है। फ्रेंड्स, हमने दो शेक ऑर्डर किए हैं, और एक है किटकैट और एक है ओरियो। अब देखते हैं इनका टेस्ट, ओरियो जो बिस्किट आता है और ये किटकैट, और आपको बताएंगे कैसा लगता है। पहले मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, बहुत ही अच्छा ये, और ठीक है, पतला नहीं है, ठीक है एकदम, और इसमें पूरा एकदम चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है। मस्ट ट्राई, जब भी आप आए, जैसे हवा महल फेमस है वैसे रामचंद जी की कुल्फी और उनके शेक फेमस है, और रीजनेबल रेट है। अगर आप कहीं भी कैफे में जाएंगे तो आपको ये 300 350 से कम नहीं पड़ेगा, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी। ओके, रामचंद कुल्फी वाले की शेक एंड रबड़ी खाने के बाद हम आगे बढ़ गए जंतर मंतर और सिटी पैलेस देखने के लिए। वैसे तो ये वॉकेबल है, लेकिन हमने ऑटो हायर किया क्योंकि उनका भी बिक्री आपको कराना है, उनका रोजी रोटी आपके भरोसे ही है। स्कूटी पार्क करने के बाद हमने ऑटो किया, जो 5 रुपीज़ पर पर्सन है, बहुत ही चीप है, 10 रुपये में दो लोगों के लिए। और ये आपको लोकल पूरा मार्केट का, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और जो वहाँ पर 3-4 चीज़ें और हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें विजिट करनी है और कहाँ पर वो है। बिल्कुल सर, सामने जो गेट देख रहे हैं, हाँ, ये है तिपोली गेट, तिपोली यानी 3 गेट, उसमें 3 गेट बने हैं, 4 फैमिली का गेट है, वो लोग आते हैं इधर से, वही जाते हैं, इसीलिए बंद कर रखा है यार, यही बंद कर रखा है, इसीलिए आम आदमी अलाउड नहीं। लिखा सिटी पैलेस, हम करे वो क्या चक्कर है उधर, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, ये जो गेट है ना, इनका रॉयल फैमिली का ही है, वो लोग आते जाते हैं इधर, ताकि और कोई अलाउड नहीं। अच्छा, ये म्यूजियम है, सिटी पैलेस म्यूजियम, म्यूजियम देखेंगे उसका 200 रुपये टिकट है भाजी, और पैलेस देखेंगे उसका 2000 रुपये टिकट है। ओह माय गॉड, अभी पहले हम तो गलत आ गए, मतलब देखने के लिए बताना मेरा काम है, दूर से देख लेंगे भैया, कोई बात नहीं। पानी बोतल दे देना भैया, पानी का बोतल
छोटा है क्या? छोटा नॉर्मल वापस चलने का, वापस अभी देखते, पता नहीं भैया अभी तो कुछ नहीं। एटीएम है क्या इधर? एटीएम में सब अंदर चलेगा। ऑटो वाले ने हमको सिटी पैलेस के पास ड्रॉप किया और वहां पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि ये काफी कॉस्टली है। इसका चार्जेज, एंट्री चार्जेज 200 रुपए और अंदर का स्पेशल चार्जेज है 2000। तो ये काफी कॉस्टली लगा। हमने काफी पैलेसेज पहले से देख रखे हैं तो हमने अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया और हमने और चीज़ों पर फोकस किया क्योंकि ये पैलेस वैसे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट, तो इसलिए कॉस्टली है। हमने फिर दोबारा से जंतर मंतर जाने का प्लान बनाया। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, बट वो भी काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट ना करें, आप अपना चीजें देखें और आगे बढ़ें। इसमें है इसमें स्टेप की लेंगे कलर बंदेज में। अच्छा, इसमें से तो नहीं जाएगा कलर है? ये कलर बाद में है, मतलब वो ये वाइट बंदेज में है, ये कलर में ये 1050 की कलर गया तो कलर किसी का नहीं जाएगा, गया तो एक साल की हमारी गारंटी कपड़े की कलर। हम तो वैसे भी यहीं पास में ही दे जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात। जयपुर में हर टूरिस्ट प्लेस के बाहर आपको हैंडीक्राफ्ट और आर्ट गैलरी देखने मिलेगी जहाँ पे आप अगर शॉपिंग के क्रेजी हैं तो वहाँ से आप अपने क्लॉथ्स, साड़ियाँ, बेडशीट, गहने, ज्वेलरी और भी डेकोरेशन के काफ़ी सामान घर के लिए ले सकते हैं। और ये काफ़ी कॉस्टली रहते हैं लेकिन फिक्स रेट रहता है और कम से कम एक बार जब आप एंटर करेंगे तो आपको 3 to 4 hours लग जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ज्वेलरी सेक्शन, क्लॉथ सेक्शन, लेडी जेंट्स, और उसके बाद आपको जो भी गिफ्ट के आइटम है वो, उसके बाद पेंटिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर चाहे आप सिटी पैलेस जाएँ या आमेर फोर्ट या जयगढ़ फोर्ट, हर जगह आपको ये क्राफ्ट गैलरी मिलेगी। तो आपको जब शॉपिंग करनी हो तो एक बार में ही कर लें जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और मनी भी। और उसके बाद हम चले गए जंतर मंतर जो कि एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है और जंतर मंतर बेसिकली टाइम कैलकुलेशन के लिए फेमस है और इसमें 19 तरह के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो टाइम कैलकुलेट करते हैं और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और ये काफ़ी एक फेमस और साइंटिफिक प्लेस है। यहाँ पे हमने टिकट लिया है जंतर मंतर का जो काफ़ी कॉस्टली है, 50 rupees पर पर्सन। हाय फ्रेंड्स, और हम आ चुके हैं जंतर मंतर और यहाँ पे सच बोले तो बस ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है देखने के लिए और क्या चीज़ है क्योंकि ये टेक्निकल है, इसमें भी साइंटिफिक है टाइम पता लगाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यंत्र हैं, अगर आप गाइड करेंगे तो शायद वो आपको इसका मतलब समझाए, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, एक बार तो आना चाहिए किस तरह से डिजाइन किया ये। और इसका जैसे आमेर फोर्ट, हवा महल, उस तरह से ही ये भी काफ़ी अच्छा प्लेस है, फेमस प्लेस है जयपुर का, तो मस्ट विजिटिंग प्लेस है। आप आइए और देखिए ये यहाँ पे कुछ तो राशियों के लिए बनाया गया है। जंतर मंतर का निर्माण 1734 में कराया गया और यहाँ पे पूरी विश्व की सबसे बड़ी सन डायल वॉच है। इसका मतलब है कि इस प्रकार की ये घड़ी है जो पत्थर से बनाई गई है और सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसका टाइम कैलकुलेट किया जाता है। इसका एक अपना तकनीक है, अपना एक मेथड है। और इसका जो लाभ है, पुराने ज़माने में क्योंकि वॉच नहीं थी, घड़ियां नहीं थी डिजिटल, तो सभ्यताओं ने, प्राचीन भाई सभ्यताओं ने दर बाई दर इसका यूज किया और अपनी आँखों से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह से सूरज की रोशनी इस पर पड़ती जाएगी। और ये जो घड़ी है जो पत्थर से बनाई गई है आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगा।
चक्र, और ये टाइम आता है चक्र के द्वारा। जंतर मंतर देखने के बाद हम सीधे होटल पहुंच गए। जी हाँ, हमने कुछ भी लंच नहीं किया क्योंकि शाम को हमारा प्लान था चौकीदानी और वहाँ होगी धुआंधार बफे पार्टी, तो इसलिए डायरेक्ट होटल गए और चाय पी। और हमने होटल में चाय ऑर्डर की है, ये मसाला टी है, और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था इसको कड़क बनाने का, तो आप इसे कलर देख सकते हैं, कलर इसका एकदम रेड है, इसका मतलब एकदम कड़क है। और देखते हैं इसको पी के ये हमारी थकान मिटा पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी हमको काफी जर्नी करनी है। अब तक हमने हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और लोकल मार्केट जैसे रामचंद कुल्फी वाला, ये सब कवर कर लिए है। और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चौकी रानी, जो कि मस्ट विजिटिंग प्लेस है। तो उसके लिए पेट को थोड़ा सेट करने के लिए मसाला टी, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। चलिए अभी पीजिए।